गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होपफुली आपने बेलनाकार प्रक्षेप चारों प्रकार के अच्छे से कर लिए होंगे और जो मैंने सेकंड एक्सरसाइज करवाई हैं, चाहे वो इक्विडिस्टेंट की हो, सेकंड प्रोजेक्शन इक्वल एरिया का हो, सेकंड वाला प्रोजेक्शन वो और गॉस का सेकंड प्रोजेक्शन, ये तीनों मैंने आपको फाइल में बनाने के लिए बोला है और मर्केटर आपको एक एज इट इज करना है जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी है। बस अब आज क्योंकि हमने अब तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के प्रक्षेप करे, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ कॉनिकल प्रोजेक्शन जिसको हम हिंदी बोलते हैं शंकुआकार, क्योंकि इसमें आकृति क्या होती है, शंकु की तरह होती है। और क्या कल्पना की हुई है कि किसी भी अक्षांश के ऊपर पेपर जो है वो शंकु की आकृति में पड़ा हुआ है, यानी किसी भी अक्षांश के ऊपर जो शंकु है उसका आधार तल ऐसे पड़ा हुआ है, ये देखिए। और आपने मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस देखे होंगे, ये दिस इज कॉल्ड आधार तल या अक्षांशीय वृत्त, है ना। तो ये जैसे हमने सपोज ये आपका 50 पर पड़ा है तो ये 50 डिग्री का अक्षांश वृत्त बना है, ठीक है, हालांकि 50 पर नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए किया है। तो हमने क्या किया है, कल्पना क्या करिए शंकुआकार प्रक्षेप के लिए कि शंकु जो है वो ऐसे अक्षांश को छूता हुआ निकला है। तो इसमें आप देखिए ये जो ये शंकु है इसको मैंने ऊपर कर दिया हल्का सा ताकि आपको दिख जाइए, ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये आधार तल है इसका और ये एक ही वृत्त के लिए, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध के लिए हो चाहे वो दक्षिण गोलार्ध के लिए हो, इस तरह से इसको एक ही गोलार्ध के लिए बनाया गया है। अब देखिए बच्चों, अब तक हमने विषुवत रेखा सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शंस जो विषुवत रेखीय क्षेत्रों के लिए सर्वथा उपयुक्त थे उसमें हमने आरएफ ली, ठीक है, विषुवत रेखा की लंबाई ली 2πr, फिर उसमें हमने इंटरवेल लिया, फिर उसमें हमने अक्षांश देशांतर रेखाओं की संख्या को ज्ञात किया और देशांतरों के मध्य दूरी को ज्ञात किया, ठीक है, ये स्टेप्स किए। अब बच्चों क्योंकि रचना के आधार पर या इसको एक वर्ड और हम बोलते हैं हिंदी में व्हाट वी कॉल इट, भूमंडलीय गुणों के आधार पर, व्हाट वी कॉल इट, भूमंडलीय गुणों के आधार पर और या इंग्लिश बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैरिट और ग्लोबल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिट और ग्लोबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब बच्चों क्या है, इसमें हमें तीन चार बातों का याद रखना है, पहले तो वही पहली तो आरएफ, ठीक है, आरएफ होगी इसमें, आरएफ होगी, दूसरा इसमें ये जो मानक अक्षांश है, मैं यूजुअली ये वर्ड भूल जाती हूँ हिंदी में, मैं आपको स्टैंडर्ड पैरेलल बोलती हूँ या प्रमाणिक अक्षांश बोलती हूँ, ठीक है, जिस अक्षांश के ऊपर आधार तल कोण का या शंकु का पड़ा हुआ है या माना गया रखा है, हमने काल्पनिक तौर पे ये माना है कि शंकु उस अक्षांश के ऊपर पड़ा हुआ, उस अक्षांश वृत्त के ऊपर पड़ा हुआ है। आप स्टार्टिंग के वीडियोस फिर से देखें जिसमें मैंने प्रक्षेपों की रचना के ऊपर काम किया है और आपकी लाइव क्लास भी ली थी, तो 8-10-15 लड़कियां थी उस दिन केवल, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या हुआ, आरएफ चाहिए हमको, वही इंटरवल चाहिए, है ना, इंटरवल चाहिए, फिर हमें चाहिए इसमें स्टैंडर्ड पैरेलल एसपी लाइन, ठीक है, एक ही शब्द है ये, स्टैंडर्ड पैरेलल चाहिए और तीसरा इसमें चाहिए हमें एक्सटेंशन विस्तार, ये दिख रहा है आपको, ये एक देशांतर यहाँ है और एक देशांतर यहाँ है, या ऐसे भी हो सकता है, ये इतना बड़ा भी हो सकता है ना, या एक एक गोलार्ध का पूरा हुआ पश्चिम का भी हो सकता है। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें एक्सटेंशन कि कितनी देशांतर से कितने देशांतर, यानी कितनी देशांतर पश्चिम से कितनी देशांतर पूर्व या कितनी देशांतर पूर्व से कितनी देशांतर पश्चिम तक, ये विस्तार है इस प्रक्षेप का। अब देखिए सिंपल सिंपल चीजें समझ लीजिए, पहले हमने शंकु का जिसपे आधार रखा
रखा, जिस भी अक्षांक पे, 30 पे रखा, 40 पे रखा, 50 पे रखा, 60 पे रखा, वही अक्षांश वृत्त जो है उसी पर क्षेत्रफल की शुद्ध आकृति, शुद्ध दिशा की शुद्धता होगी, और अन्यथा और जगह क्या होगा, एक्सटॉर्शन होगा, फैलाव होने से वो चीज शुद्ध नहीं रहेगी, चाहे वो आपका शुद्ध आकृति हो चाहे वो शुद्ध क्षेत्रफल हो। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों इसमें देखिए, जो प्राइम मेरिडियन है, जो मेन मध्यांतर है, उसके सारी दिशांतरें जो है वो कहां मिल रही है, पोल, पोल्स पे, ठीक है, ध्रुवों पे मिल रही है, एक ही पोल से, चाहे वो 90 डिग्री इस तरह से हमने बनाया तो ये 90 डिग्री नॉर्थ है, और कोई प्रक्षेप हमारा ये इस तरह से है तो वो 90 डिग्री साउथ है, और पेन नहीं चल रहे बच्चों, इन खत्म हो गई फिर से, 90 डिग्री साउथ, ठीक है, ये सदन दक्षिण गोलार्ध का है, और ये वाला किसका है, उत्तरी गोलार्ध का, ये ऐसे, ठीक है, नॉर्थ लिखा है तो ये इस तरह से बनेगा, और उल्टा शंकु जो बना है वो आपका दक्षिण गोलार्ध का बना। आप इसमें क्या हो रहा है बच्चों, सारी दिशांतर कहां से रेडिएट हो रही है, कहां से विसर्जित हो रही है, 90 डिग्री से, या कहां पे जाके मिल रही है, 90 डिग्री पर, विस्तार ध्रुवों की तरफ जैसे बढ़ते चले जाते हैं तो इसमें आकृति की शुद्धता, क्षेत्रफल की शुद्धता वो खत्म होती चली जाती है। अब बच्चों इसमें जो मेन प्राइम मेरिडियन है, जिस पे शंकु का आधार तल रखा हुआ है, चाहे वो मतलब हालांकि हम बनाते तो 0 डिग्री से ही है, पर ये केवल टेम्परेट रीजन के लिए ये प्रक्षेप सबसे बेस्ट है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए ये प्रक्षेप सबसे बेस्ट है। देखिए किताबों में सब में क्या कर रखा है, पहले कॉनिकल दे दिया, फिर सिलेंड्रिकल दे दिया, फिर जेनिथल दे दिया, दिस इज रॉन्ग, अपन तरीके से चल रहे, क्योंकि हमारा क्या है, ये देखो ये आपका उष्ण कटिबंध था 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, मैक्सिमम 35 तक 40 तक मान ले, 35 तक मानते हैं क्योंकि भारत का विस्तार 36 डिग्री तक है, तो 35-36 डिग्री तक हम मानते हैं, तो हमारा उत्तरी भाग फिर भी शीतोष्ण में आता है, टेक्निकली शीतोष्ण आपका आ गया, क्योंकि 30.5 है ना, तो 5-6 डिग्री ऊपर नीचे आपका होता है, क्योंकि शिफ्टिंग और प्रेशर बेल्ट होती है, 21 जून को सारी प्रेशर बेल्ट उत्तर की तरफ शिफ्ट जाती है, और 22 दिसंबर को सारी की सारी प्रेशर बेल्ट 5 डिग्री दक्षिण में शिफ्ट जाती है। ठीक है, इसलिए हम ये 30 डिग्री तक ले रहे हैं, 35 तक भी चल जाएगा, पर बेसिकली आपका ट्रॉपिकल कहाँ है, सिलिंड्रिकल प्रक्षेप कहाँ के लिए अच्छे थे, इस क्षेत्र के लिए अच्छे हैं। अब ये जो आपके कॉनिकल प्रक्षेप है ये कहाँ के लिए अच्छे, ये 0 डिग्री चला गया आपका, ये आपके 42-65 आर्कटिक वृत्त से नीचे, मतलब 60 इस क्षेत्र के लिए ये सबसे बेस्ट है। टेम्परेट छोटे आकार के देशों के लिए या लंबी आकृति जैसे है, जैसे हमको ट्रेन रूट्स बनाने हो, या हमको अपना जैसे विश्व के जो बेसिक ट्रेन रूट्स है, कैनेडियन पैसिफिक है, ट्रांस साइबेरियन है, और हमारे हिंदुस्तान में जो मेन रोड्स हैं उसके लिए ये प्रक्षेप सबसे बेस्ट माना जाता है बेसिकली। अब इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, हमारे जो नर्मदा घाटी है, तब रॉकी पर्वत क्षेत्र है, और बाकी मैंने यूएसए की सीमा वगैरह ऐसे बता दिया मैंने आपको कि इसके लिए बेस्ट है। अब इस प्रक्षेप में बच्चों ना तो ये सम क्षेत्रफल कोण था, ना शुद्ध आकृति प्रक्षेप है, सिर्फ ये याद रखना है, ना ये सम क्षेत्रफल है, ना शुद्ध आकृति, ना ये ऑर्थोमॉर्फिक है, ना ये इक्वल एरिया है, ये याद रखने का है। केवल जो आपकी यमुद्र लाइन है ना, ये देशांतरों को हमने दूसरी भाषा में क्या बोला था, लॉन्गिट्यूड्स को, नॉर्थ से साउथ जो आपकी है, ये इनको हमने हिंदी में क्या बोला था, यमयोतर लाइंस, देशांतर रेखाएं है ना, तो ये देशांतर रेखाओं पर ही मापनी, सभी देशांतर रेखाओं पर मापनी ऑलमोस्ट शुद्ध होती है, पर अक्षांश जो मानक अक्षांश है वो सबसे बेस्ट है, और बस ये एक ही गोलार्ध के लिए बनाया जाता है। यदि हम अर्जेंटीना का मैप या चिली का मैप बनाना हो, या हमें ऑस्ट्रेलिया का बनाना हो, तो हमें ये इस तरह से कॉनिकल प्रक्षेप बनाना होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्या बताइए, फिर से एक बार बता देती हूँ, कॉनिकल मतलब शंकुआकार, शंकु का शेप का है, जिसमें कल्पना है कि वायर ग्लोब पर शंकु पड़ा हुआ है और
लाइट प्रकाश जो है पृथ्वी के सेंटर से आ रहा है, जब उसको हम ओपन करते हैं तो उसमें सारी देशांतर रेखाएं एक ही बिंदु से रेडिएट होती हैं, यानी पोल से विसर्जित होती हैं विषुवत रेखा की तरफ, और सारी अक्षांशीय वृत्त चापी अर्धचापीय रूप में होते हैं। सारी अक्षांशीय वृत्त हल्के से अर्धचापीय रूप में होते हैं, इस तरह से देखिए आप। और जब हम इसका अक्षांशीय विस्तार बहुत ज्यादा देखते हैं ना, जैसे 150 पश्चिम से 150 पूर्व, 120 पश्चिम से 120 पूर्व, तब ये फैलते हुए चाप हमको दिखाई देते हैं। तो इसमें अब कॉनिकल प्रोजेक्शंस में आपके 1 स्टैंडर्ड कॉनिकल प्रोजेक्शन, 2 स्टैंडर्ड कॉनिकल प्रोजेक्शंस, बोन जो है शम क्षेत्रफल प्रक्षेप है वो इसमें है, और बहु शंकुआकार प्रक्षेप यानी पॉलीगोनिक प्रक्षेप इसमें आएगा। टाइम देखती हूँ कितना हुआ। ठीक है बच्चों, अब आज के मैं पहले सवाल दे देती हूँ। सवाल लिख लीजिए आप, एक शंकुआकार प्रक्षेप की रचना कीजिए। ड्रॉ अ कॉनिकल प्रोजेक्शन थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, तो बड़ी मतलब बड़ा बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, छोटी आरएफ लेनी पड़ेगी। तो ड्रॉ अ कॉनिकल प्रोजेक्शन इन विच आरएफ इज 1:16 crores या 160 millions, इंटरवल 15 डिग्री एसपी स्टैंडर्ड, ये बहुत बड़ा लग रहा है यहाँ पे, पैरेलल ये रख देते हैं अपन 45 डिग्री नॉर्थ, और एक्सटेंशन रखते हैं विस्तार। देखिए आरएफ तो प्रतिनिधि में हो गया, इंटरवल आपका अंतराल हो गया हिंदी में, स्टैंडर्ड पैरेलल आपकी प्रमाणिक अक्षांश या मानक अक्षांश, और एक्सटेंशन हो गया आपका विस्तार। विस्तार किसका बच्चों? देशांतरी विस्तार, देशांतरीय। तो अब हमारे क्योंकि अक्षांश भी है इसलिए हम लिखते हैं देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल, इसको यहां पर हमने एक्सटेंशन बोला है। ठीक है, तो ये अभी हम छोटा बना रहे हैं पहले, तो 60 डिग्री ईस्ट टू 60 डिग्री वेस्ट। ठीक है, ये हमारा है इसमें पहला, ये तो हमारी इसमें चार चीजें चाहिए हमको, ये याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, एक साधारण कॉनिकल प्रक्षेप, एक प्रमाणिक कॉनिकल प्रक्षेप बनाइए। ड्रॉ अ वन स्टैंडर्ड कॉनिकल प्रोजेक्शन इन विच आर एफ इज 1:160 millions, इंटरवल इज 15 डिग्री, स्टैंडर्ड पैरेलल इज 45 डिग्री नॉर्थ, और एक्सटेंशन है 60 डिग्री ईस्ट टू 60 डिग्री वेस्ट। ठीक है, आर हमको निकालनी आती है, स्टैंडर्ड पैरेलल को यहाँ पर कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, केवल हमको नंबर ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड निकालने हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि आज के लिए होपफुली आप कॉनिकल की परिभाषा, स्टैंडर्ड पैरेलल और जो जो बातें मैंने बोली हैं वो ध्यान से आप याद करेंगे। केवल अक्षांशीय वृत्त जिस पे शंकु का आधार पड़ा होता है उसी में क्षेत्रफल की शुद्धता होती है, अदरवाइज किसी भी जगह पर न ये शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप है न ये शुद्ध आकृति प्रक्षेप है। ये समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए ये प्रक्षेप सबसे अच्छे हैं टेम्परेट एरिया के लिए, और इसमें आपका जो संकीर्ण संकीर्ण क्षेत्र है जैसे ट्रांस बड़े रेलवे मार्ग लंबे विस्तृत क्षेत्र है, नर्मदा घाटी है, ताप्ती घाटी है, उस तरह से हम मतलब हमारे रिवर बेड्स जो है जो ईस्ट टू वेस्ट है उनको हम बहुत अच्छे से इसमें दर्शा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल इसकी हम कैलकुलेशन और रचना देखेंगे। थैंक यू।